हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे भुना चना। जैसा कि हम जानते हैं कि चना जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आज हम इसकी रेसिपी सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, तो चलिए देखते हैं कि भुना हुआ चना कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने लिया है काला चना, ये देखिए आप कितना भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी लिया हुआ है और ये देखिए काला है, ये किसी भी ग्रॉसरी की दुकान में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमें लगेगा नमक, ये नॉर्मल नमक है जो हम यूज़ करते हैं सब्ज़ी बनाने में, और ये मैंने लिया है 2 कप। पर यहाँ पे मैं लूँगी, यहाँ पे मैंने यही नमक लिया है लेकिन मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने इससे बेक किया था केक, तो ये मैंने स्टोर करके रखा है। ये वही नमक है, बस इसका कलर चेंज हो गया है। और जब हम चने बना लेंगे तो इसे हम इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे ताकि इसे हम आगे भी यूज़ कर सकें। तो ये वही नमक है, तो आप चाहें तो नया नमक यूज़ करें और उसे बाद में स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें लगेगा सिर्फ नमक और काला चना। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसे मैं गरम करने रख दूँगी, और उसमें मैं डालूँगी ये नमक जो मैंने यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो नया नमक ले लीजिए ताकि आप उसको बाद में स्टोर कर सकें। तो मैंने इसको डाल दिया है और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नमक है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो ये नमक गर्म हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि हमें इस तरीके की झारे की आवश्यकता होगी। ये देखिए इसमें छलनी है ताकि जो हम चने हैं वो आसानी से निकाल सकें। और जो नमक है उसे हमें 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम में गरम करना होगा ताकि ये बहुत गरम हो। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से गरम हो जाए, क्योंकि अगर नमक ठंडा होगा तो हमारे जो चने हैं वो अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे और धीरे धीरे पकने के कारण वो जल सकते हैं। तो हमें ये बहुत ही गर्म करना है नमक को। तो ये देखिए ये बहुत गर्म हो चुका है नमक। तो अब मैं इसमें थोड़े से चने डालूंगी। चने हमें एक साथ नहीं डालने हैं, मैं एक मुट्ठी चने डाल रही हूँ उसमें, और उसके बाद इसे हम अच्छे से चलाएंगे जल्दी जल्दी। इसे हमें खाली नहीं छोड़ना है, इसे हमें लगातार चलाना होगा। ये देखिए इस तरीके से, और ये आधे मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चम्मच की जगह ये झारे का यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे बनाना बहुत ही आसान होता है और फटाफट ये निकल जाते हैं। चम्मच से निकालने में इसे आसानी नहीं होगी। ये देखिए ये बढ़िया से फूटने लगे हैं और ये आधे मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये जल जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि डालने के साथ ही आधा मिनट में ये बनकर रेडी हो जाते हैं। अब ये हो गए हैं तो मैंने गैस की फ्लेम मध्य कर दी है और इसे निकाल ले रही हूँ ताकि ये जले ना। ये देखिए, और अब गैस की फ्लेम जो है वो मैं फिर से तेज़ कर दे रही हूँ और फिर एक मुट्ठी चने डाल दे रही हूँ। ध्यान रहे, अगर आपका जो नमक है वो गर्म नहीं होगा तो चने इतनी जल्दी फूटेंगे नहीं और वो जल के ख़राब हो सकते हैं। तो जो नमक है वो तेज़ गर्म होना चाहिए और आधे मिनट में हमें डाल के चनों को निकालना होगा अगर वो फूटने लगे हैं तो। ये देखिए, ज़्यादा देर तक चनों को नमक में रखे रहने से ये जल सकते हैं, इसलिए फटाफट इन्हें आधे मिनट में ही हमें निकालना होगा। ये देखिए फिर से आधे मिनट में बनकर रेडी हो गए हैं। आप इस नमक से जितने चाहे चने बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए बढ़िया हो गए हैं ये। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरीके से आपको जितने चने भूनने हो आप भून सकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं भुना हुआ चना, ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। ये मैं बता दूँ कि देखिए कितने परफेक्ट मार्केट की तरह ही एकदम बने हैं, और ये ईजीली इसका जो छिलका है वो निकल जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे बनाइए, कभी भी बना सकते हैं। और ये जो नमक है इसे आप स्टोर करके रखिए ताकि आप इसको बाद में भी बना सकें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।